पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपना फाइनली अब मन बना लेता है कि अगर उसका डार्क रैब उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो उसको ज़बरदस्ती अपनी टीम में नहीं रखेगा। और यार डार्क रैब फिर फाइनली ऐश की टीम को छोड़ के चला जाता है, ऐश डार्क रैब को रिलीज़ कर देता है। इसके बाद ऐश एक फायर टाइप पोकेमॉन के टूर्नामेंट में पार्ट लेता है, जहां उसकी फर्स्ट मैच होती है हाउंडूम के साथ जिसमें ऐश का चार्जर इजीली जीत जाता है। फिर सेकंड मैच होती है मैगमॉर्टर के साथ जहां पर भी चार्जर जीत जाता है और आ जाता है सेमीफाइनल्स में। अब आगे ऐश सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इस टूर्नामेंट को जीतना होगा, क्योंकि यार जो विनिंग प्राइज़ है वो है चारकोल, और ये एक इतना इंपॉर्टेंट आइटम होता है फायर टाइप पोकेमॉन के लिए कि अगर ये मिल गया फायर टाइप पोकेमॉन को तो उनके मूव्स जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए ऐश मन बना लेता है कि वो कैसे भी करके टूर्नामेंट जीतेगा और चार्जर्ड कोई आइटम दिलाएगा जिसकी मदद से वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। अब ऐश यहाँ पे सेमीफाइनल्स में आ जाता है और उसकी मैच होती है टेरी नाम के एक बंदे के साथ, और टेरी अपना पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है ब्लेजिकन। ऐश चार्जर्ड से कहता है, चार्जर्ड याद है ना, तुम पहले एक बार ब्लेजिकन से हार चुके हो, लेकिन इस बार हम लोग वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और चार्जर्ड भी यहाँ पे फुल जोश में होता है कि उसे कैसे भी करके ये बैटल जीतनी है। बैटल स्टार्ट होती है और ब्लेजिकन एक फायर पंच मारता है चार्जर्ड पे, और यार चार्जर्ड पे वो अटैक लग जाता है लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता। हम चार्जर्ड को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जोश में होता है, उसको बस ब्लेजिकन को हराना होता है। और अब चार्जर्ड अपनी तरफ से एक फ्लेम थ्रोअर मारता है ब्लेजिकन पे, लेकिन यार ब्लेजिकन भी अटैक को सह लेता है। ऐश समझ जाता है कि लगता है फायर टाइप मूव्स इस पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाले, तभी ऐश अपने चार्जर्ड से बोलता है, चार्जर्ड जल्दी से एयर स्लैश अटैक, और यार चार्जर्ड एयर स्लैश करता है और ब्लेजिकन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश हंसता है और कहता है, इसी टाइम के लिए मैंने अपने चार्जर्ड को एक फ्लाइंग टाइप मूव भी सिखा रखा था। अब यार ऐश का चार्जर्ड वापस से एक और एयर स्लैश करने जाता है, लेकिन इस बार जो ब्लेजिकन है वो अटैक से बचता है और तुरंत ही एक ब्लेज किक मारता है चार्जर्ड पे, और चार्जर्ड हमको देखते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज है। चार्जर्ड यहाँ पे उठने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ब्लेजिकन उतने में ही एक और डबल किक मार देता है और फिर से चार्जर्ड नीचे गिर जाता है। अब यार ब्लेजिकन का जो ट्रेनर है उसको फाइनल एक खतरनाक वाला ब्रेव बर्ड करने बोलता है और चार्जर्ड को खत्म करने के लिए बोलता है। ब्लेजिकन ब्रेव बर्ड यूज़ करने लगता है, लेकिन यार चार्जर्ड अटैक से बहुत सही समय पर बच जाता है और तुरंत ही एक साइस्मिक टॉस के लिए उठा लेता है ब्लेजिकन को और उस पर साइस्मिक टॉस कर देता है। ऐश पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि इस अटैक के बाद डेफिनेटली ब्लेजिकन नहीं उठ पाएगा, लेकिन तभी ऐश देख के सरप्राइज होता है कि ब्लेजिकन अभी भी खड़ा हुआ है, वो ज़मीन पे नहीं गिरा। लेकिन चार्जर्ड यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उसे देख रहा होता है, और यार तभी वो देखते हैं कि ब्लेजिकन ज़मीन पे गिर जाता है। ब्लेजिकन का ट्रेनर एकदम डिसअपॉइंट हो जाता है और ऐश एकदम खुश हो जाता है कि यार फाइनली हम लोग ये मैच भी जीत चुके हैं, और अब ऐश आ जाता है फाइनल्स में। ऐश चार्जर्ड से बोलता है, चार्जर्ड बस अब एक लास्ट मैच और है, उसके बाद तुम डैड से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और यार ऐश को पता चलता है कि फाइनल में उसका जो ओपोनेंट है उसका नाम है सिल्वर, और वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन यानी एंटे लेके लड़ रहा है, और अभी तक वो भी एक भी मैच नहीं हारा ऐश की तरह। ऐश और सिल्वर एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, ऐश निकालता है चार्जर्ड को और सिल्वर निकालता है एंटे को। चार्जर्ड यहाँ पे जल्दी से एक फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करता है, लेकिन यार सिल्वर का जो एंटे है वो अपनी तरफ से एक फ्लेम थ्रोअर करता है और वो इतना पावरफुल होता है कि एक ही में चार्जर्ड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। ऐश समझ जाता है कि ये मैच बहुत हार्ड होने वाली है, लेकिन कैसे भी करके जीतना होगा। इस बार चार्जर्ड एक स्टील विंग करने का ट्राई करता है एंटे पे, लेकिन यार एंटे हमले से बचता है और अपनी तरफ से एक फायर ब्लास्ट मार देता है चार्जर्ड पे, और चार्जर्ड पे फिर से अटैक डायरेक्ट लगता है, और यार हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ चुका है। ऐश कहता है, चार्जर्ड हार मत मानो, अपनी पूरी ताकत दिखा दो, और यार जो एंटे है वो वापस से एक फ्लेम थ्रोअर मारता है, लेकिन इस बार चार्जर्ड हमले से बच जाता है और सीधा एक स्लैश अटैक मार देता है एंटे पे। एंटे को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार चार्जर्ड एक और स्लैश मारता है और लगातार बहुत सारे स्लैश अटैक मारते जाता है एंटे पे, और हम देखते हैं कि एंटे को अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ऐश कहता है, चार्जर्ड रुको मत, और एंटे के मुंह पे एक ओवरहीट मार दो, और यार चार्जर्ड एकदम पास से ही उसको ओवरहीट मार देता है जिसकी वजह से एंटे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और हम देखते हैं कि वो भी काफ़ी इंजर्ड है। अब दोनों यहाँ पे एक दूसरे पे हमले चला रहे होते हैं और यार बहुत खतरनाक इंटेंस बैटल चल रही होती है एक दूसरे के बीच में। एंटे यहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के अपना फाइनल वार फायर ब्लास्ट मार देता है चार्जर्ड पे, लेकिन चार्जर्ड अटैक से हटता नहीं है और यार वो फायर ब्लास्ट को अपनी पूरी ताकत से रोकने लग जाता है, और ऐश बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि चार्जर्ड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया इस बैटल को लेके, और यार वो एंटे के फायर ब्लास्ट को एक्चुअली रोक के बिल्कुल ख़राब कर देता है। और चार्जर्ड इस बार अपनी पूरी ताकत से एक और स्लैश अटैक मारता है यहाँ पे एंटे पे, और एंटे हम देखते हैं काफ़ी इंजर्ड है, और चार्जर्ड फिर एक ड्रैगन क्लॉ मार देता है एंटे पे, और यार एंटे फिर से बहुत इंजर्ड हो जाता है, और अब चार्जर्ड अपना फाइनल यार मारता है एक साइस्मिक टॉस, और इसी के साथ हम देखते हैं कि एंटे फेंट हो जाता है, और इसी के साथ यार ऐश इस फायर टाइप के पोकेमॉन के टूर्नामेंट को जीत जाता है और उसके चार्जर्ड को चारकोल आइटम भी दे दिया जाता है जिसकी वजह से अब उसके फायर टाइप के मूव्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ऐश बहुत खुश होता है और वो चार्जर्ड से कहता है कि चार्जर्ड मुझे पता है डैड वाले बैटल के अंदर तुम तो बहुत कमाल करके दिखाने वाले हो।
अब ऐश अपना सफर कंटिन्यू कर रहा होता है और वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी अचानक से सामने से ऐश के एक आदमी आता है और यार बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ होता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐश सोचता है कि इसको क्या हुआ, इसने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डरा हुआ था। और तभी अचानक से ऐश थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक और आदमी आता है और वो भी वैसे ही डरा हुआ भाग के जाता है। और तभी अचानक से आगे से और बहुत सारे आदमी आते हैं और वो सब भी ऐसे डरे हुए होते हैं और वहाँ से भाग के जाने लगते हैं। ऐश सोचता है कि ये हो क्या रहा है, आगे ऐसा क्या चीज़ है, ये लोग ऐसा क्या चीज़ देख लिए हैं जो कि इतना ज़्यादा डर रहे हैं। ऐश समझ जाता है कि आगे कुछ तो गड़बड़ है और उसको आगे जाके देखना होगा क्या चीज़ है। ऐश आगे बढ़ता है और यार वो आगे देख रहा होता है कि इन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो इतने ज़्यादा डर रहे हैं। तभी ऐश की नज़र एक झाड़ी पर जाती है और ऐश वहाँ पर देखने जा रहा होता है कि इसके पीछे क्या है, कि तभी अचानक से उसके पीछे से ऐश के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक हाइड्रो पंप का हमला होता है जो कि सीधा ऐश को लग जाता है। ऐश देखता है कि ये क्या है, कौन सा पोकेमॉन है जो मुझ पर हमला कर रहा है। और तभी अचानक से ऐश पर एक बहुत खतरनाक रेजर लीफ का भी हमला होता है। ऐश तुरंत ही अपने पिकाचू से वो झाड़ी के पीछे एक थंडरबोल्ट करने के लिए कहता है कि तभी अचानक से यार वहाँ से निकल के आता है एक पोकेमॉन जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है कि ये क्या है और तब हमको दिखाया जाता है कि यार वो एक पोकेमॉन है जो कि वीनसॉर और ब्लास्टोइस दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐश बोलता है कि मैंने पहले भी देखा है लेकिन वो तो गैस्ली का बस एक इल्यूजन था, लेकिन ये तो एक सच का पोकेमॉन है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक से यार वो जो वीनस टॉइस पोकेमॉन है वो ऐश पे हमला करता है, लेकिन यार ऐश अटैक से बचता है और अपने पिकाचू को एक काफ़ी खतरनाक थंडरबोल्ट करने के लिए बोलता है और वो सीधा लग जाता है वो वीनस टॉइस को। उसके बाद पिकाचू एक इलेक्ट्रोबॉल मारता है और फिर से यार वो वीनस टॉइस को लगता है और यार पिकाचू अपने दमदार हमले करने ही लग जाता है और फाइनल एक जी मूव के साथ में ऐश उस वीनस टॉइस को हरा देता है और यार वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ब्लास्टोइज और विनसॉर अलग अलग बन जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ऐश समझ जाता है कि ये किसी तो बुरी टीम का काम है जो ये कर रहे हैं और ऐश बोलता है कि ज़बरदस्ती ऐसे पोकेमॉन का फ्यूजन बनाना ये बहुत ज़्यादा गलत है, कोई तो टीम लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन मैं उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी अचानक से यार ऐश के ऊपर से एक नेट गिराया जाता है और यार वो लोग ऐश को पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।